नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लेबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज 28 जुलाई और 28 जुलाई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाए हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो शिक्षा मित्रों को लेकर के है कि लोकसभा में उठाया शिक्षा मित्रों का मुद्दा। सांसद गिरीश चंद्र ने समायोजन को बहाल करने के लिए कानून बनाने की मांग की। ठीक है, यहाँ पर पूरी अपडेट देख लेते हैं कि नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद गिरीश चंद्र ने बृहस्पतिवार को सदन में प्रदेश के शिक्षा मित्रों के रद्द समायोजन को बहाल करने के लिए कानून बनाने की मांग की। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पर शिक्षा मित्र जो हैं सन 2000 से 2250 रुपये की नौकरी शुरू की थी मानदेय के आधार पर। उसके बाद जो तत्कालीन सरकारें आई उन्होंने वेतन में वृद्धि की। इसके बाद एनसीटी से परमिशन लेने के बाद शिक्षा मित्रों को विशिष्ट बीटीसी दूरस्थ विधि से बीटीसी कराने के बाद सहायक शिक्षक पद पर समायोजन कर दिया गया था। इसका जितने भी टीटी अभ्यर्थी थे उन्होंने जाकर के केस कर दिया। केस में टीटी अभ्यर्थियों की जीत हुई। इसके बाद जो केस था सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वहाँ पर भी टीटी अभ्यर्थियों की जीत हुई। शिक्षा मित्रों को समायोजन को रद्द कर दिया गया। शिक्षा मित्रों ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी दौड़ भाग की। इसमें काफ़ी ऐसे शिक्षा मित्र थे जो शहीद भी हो गए। ठीक है, उनकी तो शिक्षा मित्रों ने काला दिवस भी लगातार मनाते रहते हैं। तो यहाँ पर वही अपडेट है जो सांसद हैं गिरीश चंद, इनका कहना है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया जाए, इसके लिए कानून लाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया, समायोजन रद्द कर दिया, अब इनको कानून बनाकर ही परमानेंट किया जा सकता है। तो फिलहाल ये मैटर संसद में अभी चल रहा है। ठीक है, संसद में अब देखते हैं क्या होता है इस पर। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज है बेसिक स्कूलों को लेकर के, भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक स्कूलों में गार्गी शिक्षा योजना लागू किए जाने की तैयारी। बेरोजगार ग्रेजुएट महिलाओं को मिलेगी अस्थाई नियुक्ति। भविष्य में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर विराम की आशंका। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय हैं, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल भी शिक्षक नहीं है या एक आध शिक्षक हैं। तो यहाँ पर अब योजना बनाई जा रही है कि बेसिक विद्यालयों में गार्गी शिक्षा योजना लागू की जाए। इसमें होगा क्या दोस्तों कि जो गांव के उसे जहां पर स्कूल है उसके आसपास की जो भी महिलाएं हैं और वो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनको अस्थाई नियुक्ति दी जाएगी और इसके बाद वहां पर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार होगा। और यहां पर यह भी आशंका जताई जा रही है कि ये जो आने वाला समय होगा उसमें प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर विराम भी लग सकता है। तो फिलहाल ये जो योजना है अभी फ़िलहाल मुजफ्फरनगर में लगाई गई है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसका जो है विस्तृत पूरे प्रदेश में लागू की जाए। ठीक है, तो ये एक अपडेट हो गई। यहाँ पर साफ दिया गया कि इस योजना को अभी मास्टर प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया पर ये लेटर इसका भी काफ़ी वायरल हो रहा है और इसमें काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है कि इस तरह से ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, इसमें स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी जो पूरा मैटर है काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज है यूपी बोर्ड को लेकर के। यूपी बोर्ड ने जितने भी परीक्षा बोर्ड हैं कुल मिलाकर के 15 बोर्डों को लेटर लिखा है, जिसमें यूपी बोर्ड ने कहा है कि जितने भी फेलियर छात्र हैं जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में फेल हुए हैं उन सब का ब्यौरा देने के लिए यूपी बोर्ड ने आग्रह किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CISCE, CBSE सहित 15 बोर्डों से 5 साल का पिछले ब्यौरा मांगा गया है। 5 साल में 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों की मांगी गई है जानकारी। ये सब क्यों किया जा रहा है? तो ये सब परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया जा रहा है। फेलियर छात्रों का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। बहुत से ऐसे फेलियर छात्र होते हैं जो दूसरे बोर्ड में फेल हो जाते हैं और उसके बाद यूपी बोर्ड में आ जाती हैं, फर्जीवाड़ा करके यहाँ पे एडमिशन करा लेती हैं। तो ये सब रोकने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर 2018 में कुल मिलाकर के 83,000 छात्र छात्राओं ने फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया था और उनका यूपी बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन निरस्त किया था। तो ये सब फर्जीवाड़ा ना हो, इसी को रोकने के लिए यूपी बोर्ड ये सभी भर्ती बोर्डों से, सभी परीक्षा बोर्डों से यहाँ पर फेलियर छात्रों का विवरण मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों अपडेट हो गई यूपी बोर्ड को लेकर। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ।
तो ये न्यूज है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, यहाँ पे साफ दिया गया है, आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों का याचन भेजने में चल रहा है खेल। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर अभी टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन अधियाचन लिए जा रहे हैं, 31 जुलाई लास्ट डेट है, और यहाँ पर अधियाचन भेजने में खेल चल रहा है। ये जो खेल है इसमें सभी भागीदार हैं, पहले तो यहाँ पर कॉलेज का प्रबंधन भागीदार, दूसरा DIOS है, ये सभी भागीदार होकर के यहाँ पर खेल कर रहे हैं और मोटी मोटी रकम वसूल करके आने वाले टाइम पर भर्तियाँ करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के बाद भी वास्तविक अध्याचन नहीं पहुँच रहे हैं। लगभग अभी तक 1100 कुछ कॉलेज हैं, 1129 कॉलेज हैं जिन्होंने अध्याचन भेजा नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी जो प्रमुख रीजन बता रहे हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 2016 भर्ती को आधार बना रहे हैं, उनका कहना है कि 2016 भर्ती के बाद जो मतलब पद रिक्त हैं उनका ब्यौरा भेजना है। कुछ का कारण ये है कि कोर्ट के प्रकरणों के कारण असमंजस बना हुआ है, इस पर नहीं भेज पा रहे हैं। और कुछ यहाँ पर ऐसे भी पद हैं जिनको शासन ने निरस्त कर दिया, जैसे जीव विज्ञान का पद हाई स्कूल से निरस्त कर दिया है, वहीं पर इंटर में भी बायोलॉजी का पद होता है, तो कुछ इसी कन्फ्यूजन में है कि हाई स्कूल का नहीं भेजना है कि इंटर बायोलॉजी का नहीं भेजना है कि दोनों नहीं भेजना है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर अपने अपने स्तर से ये लोग एक तरीके से नियम बना करके पद रोके हुए हैं, ठीक है, पदों का ब्यौरा नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये सब खेल चल रहा है TGT PGT भर्ती को लेकर के। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज है TGT PGT 2016 2011 भर्ती और 2013 भर्ती के बचे हुए पदों को लेकर के। तो यहाँ पर दिया गया है कि रिजल्ट के लिए बारिश में भीगते रहे सैकड़ों अभ्यर्थी। दोस्तों आपको पता है कल 27 जुलाई थी और यहाँ पर कल भी लोग उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड पर एक विशाल धरना प्रदर्शन था, बारिश में भीगते रहे, और इन सब अभ्यर्थियों की मांग थी कि 2016 की लिखित परीक्षा का परिणाम जल्दी जारी किया जाए, साथ ही 2013 के जो बचे हुए पदों हैं उनका परिणाम जारी किया जाए, कॉलेज आवंटन भी किया जाए, और जो 2019 की नई भर्ती जानी है वो जल्दी से जल्दी भर्ती जारी की जाए। तो काफ़ी सारी मांगे हैं, खासकर इनके जो प्रमुख मांगे हैं वो यही हैं कि 2011 और 2013 भर्ती के जो अवशेष पैनल वाले रिजल्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी कॉलेज आवंटन किया जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर कल धरना प्रदर्शन था, लेकिन कुछ भी हल यहाँ पर निकल नहीं पाया है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो सोमवार को फिर आ करके घेराव करेंगे चयन बोर्ड का। तो कल फिर धरना प्रदर्शन है, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पर न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। यहाँ पर दिया गया है कि कल से इंटरव्यू, 200 पदों पर भर्ती फंसी, उच्च शिक्षा के नए कार्यवाहक अध्यक्ष पर भर्ती पूरा कराने का होगा दबाव, अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थियों की होनी है भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 47 के तहत 29 जुलाई से इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है, यानी कल से, और विज्ञापन संख्या 46 की प्रतीक्षा सूची यानी अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थियों की विभिन्न कारणों से रिक्त पड़े तकरीबन 200 पदों पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय में एक नए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। अतिरिक्त सूची के अभ्यर्थी सोमवार को नए कार्यवाहक अध्यक्ष निदेशक से डॉक्टर अमित भारद्वाज से मिलकर अपनी बात रखेंगे। दोस्तों कल से यहाँ पर विज्ञापन संख्या 47 के तहत इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज है UPSC को लेकर के। यहाँ पर UPSC में नई प्रिंटिंग प्रेस है, विशेषज्ञों का नया पैनल है वो गठित कर दिया गया है, और इसी के बाद यहाँ पर आयोग ने आगामी 2019 और 2020 का पूरा परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। अब पूरी जिम्मेदारी नए पैनल पर होगी और नए विशेषज्ञों पर होगी किस तरीके से परीक्षाएं करवाते हैं, क्वेश्चंस पेपर में जो इतनी सारी गलतियां होती हैं, गलत क्वेश्चन आते हैं, वो सब आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि आयोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि इस बार कोई भी विवादित प्रश्न परीक्षाओं में ना डालने जाए। वहीं पर आयोग के ऊपर भी काफ़ी दबाव है, क्योंकि आगामी एक साल में PCS की 2 प्री परीक्षाएं संपन्न करानी है और 3 मेंस परीक्षाएं संपन्न करानी है। तो आयोग इसको लेकर के पूरी तैयारी कर रहा है, सारा दारोमदार जो आयोग के अध्यक्ष पर निर्भर है, ठीक है।
चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो दोस्तों ये न्यूज है हाई स्कूल की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परिणाम को लेकर के, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का परिणाम जारी कर दिया गया। छात्र जो बोर्ड की वेबसाइट पर इसको जा करके देख सकते हैं। इस बार 99.78% परीक्षार्थी सफल हो गए। लगभग 14,607 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों ये पूरा अपडेट है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक भर्ती आई हुई है, कुल मिलाकर के यहाँ पर 9,299 पदों पर ये भर्ती हो रही है। स्टाफ नर्स एवं ट्यूटर के पदों पर ये भर्ती हो रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती हो रही है। इसके लिए आयु सीमा जो है वो अधिकतम 37 वर्ष रखी गई आयु सीमा, ठीक है। और यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है वो पदों के अनुसार अलग अलग है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। वेबसाइट ये सामने आपकी लिखी है btsc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लास्ट डेट 26 अगस्त 2019 है। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट थी आज के वीडियो की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल निशान जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।